अभी एक हफ्ते पहले 26 जुलाई को आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया, और ये सस्पेंड कोई एक दिन दो दिन जैसे कि लोकसभा में होता है वैसा नहीं किया गया है, परमानेंटली इनका एमएलसी का पद ही खत्म कर दिया गया है। अब ये खत्म इसलिए किया गया है क्योंकि 13 फरवरी 2024 को इन्होंने नीतीश कुमार का सदन के अंदर नकल किया था, और उस समय का वीडियो अगर आपको याद है तो उस वीडियो में नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए उनको बोला था ये तुमको आ जाएंगे अपने पर तो तुमको बर्बाद कर देंगे। अब ये एमएलसी का पद जाना बर्बादी है या नहीं है वो वीडियो भी पड़ा हुआ है। अरे तू हाय हाय कर रहा है, थोड़ा जो हालत है जान नहीं रहा तुम्हारा दुकान का। अगर हम जवाब शुरू कर देंगे बर्बाद हो गया, अगर हम जवाब शुरू कर देंगे बर्बाद हो गया। बैठो जाना है जाओ। लेकिन फिलहाल हम आपको बताएंगे कि कैसे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति में इस तरह से किसी का नेता का मिमिक्री करना किस हद तक फैला हुआ है, और कैसे किसी नेता का सदन के अंदर मिमिक्री करना और सदन के बाहर करना यानी इलेक्शन के दौरान करना उसमें क्या अंतर है, और क्या इसके पहले किसी नेता के खिलाफ इस तरह का जिस तरह के सुनील कुमार सिंह के खिलाफ एक्शन लिया गया है वैसा हुआ है। हमारी जो जानकारी है उसमें तो ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि इसी साल संसद के भीतर पिछले साल 20 दिसंबर को जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा में उनकी मिमिक्री संसद के जस्ट बाहर ही संसद के परिसर के अंदर ही कल्याण बनर्जी ने उनका मिमिक्री किया था, जिसके ऊपर खूब बवाल मचा था, प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक सब ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दिया था, कंडम किया था, राहुल गांधी ने उसका वीडियो बनाया था और बहुत वायरल हुआ था। तो घटनाएं घटी है कि मिमिक्री की, हालांकि वो संसद के अंदर नहीं हुआ था बाहर हुआ था, लेकिन घटनाएं घटी है, बहुत सारी घटनाएं घटी है। 20 दिसंबर को ये 2023 को घटी जब कल्याण बनर्जी ने वाइस प्रेसिडेंट धनकर का मिमिक्री किया था, चलिए ये मान सकते हैं कि बिल्डिंग के बाहर किया गया था। लेकिन उससे पहले भी 13 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का मिमिक्री किया था, जब राहुल गांधी उनसे गए थे गले लगने के लिए गए थे और आंख मारे थे, उसका उन्होंने मिमिक्री किया था सदन के भीतर। आंखों की हरकतों ने टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है कैसे बंद की जा रही है, ये आंखों का खेल। और उस समय दोनों एमपी थे, एक तो प्रधानमंत्री थे एक लीडर ऑफ अपोजिशन थे। तो घटनाएं कल्याण बनर्जी वाला भी मिमिक्री का ही है, एक सदन के परिसर के अंदर है लेकिन संसद के बाहर है, लोकसभा के बाहर है, एक तो अंदर है। इसी तरह से सदन के बाहर तो आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लालू यादव 2015 का वो मिमिक्री फेमस, उससे अच्छा मिमिक्री वायरल मिमिक्री तो कोई हुआ ही नहीं आज तक, जिसमें उन्होंने कहा था भाइयों बहनों और वो जो पैकेज देंगे वाला किया था। पैकेज दिया क्या बोले थे भाइयों बहनों बिजली आई मिली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। उसके पहले भी हुआ इस तरह की घटना, राज ठाकरे ने सोनिया गांधी का 2009 में मिमिक्री किया था जिसके लिए उनका कंडम भी किया गया था। मैंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे जो कोई राजनीति कर, अरे कांग्रेस बना सकता ना। अब ये तो हिंदुस्तान की बात हो गई, हिंदुस्तान में और भी आपको राज्य स्तर पे तो बहुत सारे मिल जाएंगे एग्जाम्पल, और इलेक्शन सदन के बाहर तो बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। जैसे कि कल्याण बनर्जी पहले से ही सस्पेंड थे, कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन एक्शन लेगा, प्रधानमंत्री उन्होंने मिमिक्री किया था, या फिर राज ठाकरे के ऊपर या लालू यादव के खिलाफ कोई एक्शन आज तक नहीं लिया गया। पहली बार हुआ जब सुनील सिंह के खिलाफ इस तरह का एक्शन लिया गया है। दुनिया में अगर आप देखेंगे तो फेमस है डोनाल्ड ट्रंप,
अपने अपोजिशन के लीडर का मिमिक्री करने के लिए फेमस है, वो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान अंदर नहीं। मैक्रोन, यू नो मैक्रोन, इज अ वेरी नाइस गाय, मैक्रोन एंड रियली अ वेरी नाइस गाय। आई सेड इमैनुएल, ही इज लुकिंग, यू एवर नोटिस ही लुक्स लाइक दिस, ही इज लुकिंग अराउंड। हंगरी के एक प्रधानमंत्री हैं, राइट विंग के प्रधानमंत्री हैं, विक्टर ऑर्बेन। वो अपने ही देश के राष्ट्रपति का मिमिक्री करते हैं, उसके साथ साथ वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी मिमिक्री कर चुके हैं। तो ऐसे आपको दुनिया में भी बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, लेकिन इसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना, किसी को सस्पेंड करना, हमें लगता है संभवतः ये होगा, हो सकता है एकाध हो तो हो, हमारी नज़र से हट गया हो, लेकिन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा जब सुनील सिंह को जिस तरह से किया गया था। हालांकि सुनील सिंह के खिलाफ ये एक्शन क्यों लिया गया और ये क्या सिर्फ ये एकमात्र एक्शन है? क्या नीतीश कुमार को जब सुनील सिंह ने मिमिक्री किया था 13 फरवरी 2024 को, उसी समय तय हो गया था इनका सस्पेंशन? और उसके अलावा और भी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है क्या, जो उन्होंने कहा बर्बाद कर दिया था तो हुआ है? सुनील सिंह जो है वो पहली बार एमएलसी बने हैं, लेकिन ये बड़े फंडर माने जाते हैं आरजेडी के। आज जो पहली बार एमएलसी 2020 में जब बने थे तो इनकी प्रॉपर्टी 23 करोड़ थी, 50 लाख ईयरली इनके परिवार का इनकम है, और भी ये तो लीगल है, पता नहीं इलीगल कितना और होगा। और इनके बहुत सारी कहानियां हैं इनसे, इनके बिजनेस के बारे में, इनके और भी कैसे आरजेडी के फंडर हैं, उसके ऊपर एक अलग हम वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे आपको बहुत ज़्यादा। इतना बस बताएंगे कि ये बिस्कोमान भवन के जो पैक्स होता है उसके लगातार 2003 से अध्यक्ष हुआ करते थे। अब जब फरवरी में इन्होंने नीतीश कुमार का मिमिक्री किया तो उसके बाद फिर इस पद को ही खत्म कर दिया गया है। खत्म करने का मतलब कि सबसे पहले इनको जिस दिन इनको एमएलसी के पद से हटाया गया उसके एक दिन पहले इनको बिस्कोमान भवन के अध्यक्ष पद से, बिस्कोमान के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। लगातार वो हुआ करते थे और वहाँ से लंबा गाढ़ी कमाई करते थे ऐसा माना जाता है। अभी वहाँ कहा जा रहा है कि अब उस पद के ऊपर जिस पद पे ये थे उस बिस्कोमान का पूरा फंक्शनिंग का पूरा कारोबार एक आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर श्रीवास्तव को ही है, उनको दे दिया गया है। तो ये कोई पहली घटना नहीं थी जब उनके खिलाफ लिया गया, सुनील सिंह के खिलाफ। उनको पहले जो सोर्स ऑफ इनकम उनका था बिस्कोमान भवन वाला, वहाँ से हटाया गया, फिर एमएलसी भी हटा दिया गया, और भी बहुत कुछ इनके खिलाफ था। तो क्या वो रिफ्लेक्शन है नीतीश कुमार वाला? अब मुद्दे की बात यह है कि हिंदुस्तान में कोई नियम कानून या फिर कोई एक्ट नहीं है मिमिक्री के खिलाफ, मिमिक्री के से संबंधित कोई कानून ही नहीं है। तो किसी को किस आधार पर प्रोसिक्यूट किया गया है, वो प्रिविलेज मोशन ला करके कि आपने प्रदेश के मुखिया का अपमान किया या इस तरह के उसमें ला करके, लॉ में ला करके आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन मिमिक्री करने के लिए किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर भी हो सकता था एक्शन, वो फिर वो आपके कल्याण बनर्जी के ऊपर भी एक्शन हो सकता था, बहुत लोगों के ऊपर हो सकता था, लेकिन कोई नियम कानून है ही नहीं मिमिक्री को लेकर के। लेकिन जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी 2014 में पहली बार, जून में, मई में सत्ता में आई और अगस्त में पार्लियामेंट में एक कानून बनाने के लिए प्रपोजल आया था। प्रपोजल कहाँ से आया? नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं, या भाजपा की तरफ से नहीं, या फिर एनडीए के किसी नेता की तरफ से नहीं आया था, बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता, राज्यसभा के सदस्य अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन की तरफ से आया था। उन्होंने कहा था कि ये जो आरजे हैं रेडियो वाले, वो लोगों का मिमिक्री करते हैं, नेताओं का मिमिक्री करते हैं, उनके ऊपर लगाम लगना चाहिए, उनके खिलाफ कानून बनना चाहिए। और उस समय इस कानून का सपोर्ट किया था सतीश मिश्रा ने, जो कि बीएसपी के लीडर हैं, बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और उसको सिर्फ सपोर्ट किया था तरुण विजय ने, जो बीजेपी के हैं, और उसके ऊपर सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि हाँ इसके ऊपर कोई कानून लाया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई कानून लाया नहीं गया, आज भी कानून नहीं है। 2018 में फिर से बीजेपी की सरकार ने कहा था कि इसके ऊपर लाया जाएगा कानून, लेकिन लाया नहीं गया था, क्योंकि मिमिक्री को आप कंट्रोल करेंगे तो फिर तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन इसी मिमिक्री के लिए आज सुनील कुमार सिंह को अपना एमएलसी का पद छोड़ना पड़ा है। अंतर सिर्फ इतना है कि एक संसद के अंदर या सदन के अंदर, विधानसभा विधान परिषद के अंदर हुआ है, लेकिन विधान परिषद के अंदर तो मोदी जी भी किए हैं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं? कहीं ना कहीं शायद वो जो नीतीश कुमार उस मोड में, अब बदला लेने वाले मोड में है, किस मोड में है नहीं पता, लेकिन वो जिसकी, जो कि इनकी पहचान नहीं थी बदला लेने की, लेकिन
वो खुलेआम जब बोल सकते हैं कि तुमको बर्बाद कर देंगे, तो फिर क्या पता वही बर्बाद करने के प्रोसेस में उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, ऐसी कहानियां आपको सुनाते रहेंगे और सुनील सिंह के ऊपर पूरी एक स्टोरी, फुल स्टोरी आपको सुनाएंगे अभी, पूरा उनका लाइफ जर्नी। बहुत मिस्टीरियस लाइफ है उनका, कैसे वो राबड़ी देवी उनको बहन मानती है, कितना प्रॉपर्टी है, कैसे क्या उन्होंने किया है, वो सब कुछ बताएंगे। तो उसके लिए बने रहना पड़ेगा आपको न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।